Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, good morning. Welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Hungry Spirits में. बहुत सारे दिनों से ये हो रहा था कि यार पारस छाबड़ा की कोई वीडियो नहीं आ रही. पारस छाबड़ा कुछ बोल ही नहीं रहे. पारस छाबड़ा कहाँ गायब हो गए? पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में अनबन हो गई, ये वीडियो बन रहे थे. फिर किसी ने वीडियो बनाया कि नहीं नहीं अनबन नहीं हुई है, वो तो सब ठीक है, वो फेक बात थी. लेकिन वो कहते हैं कि देर बाद बोले, लेकिन क्या बोले? अब फैंस बोलेंगे, खासकर शहनाज गिल के फैंस बोलेंगे, इससे अच्छा तो भैया बोलते ही ना. तो पारस छाबड़ा ने कहा कुछ ऐसा जिससे भड़क उठे शहनाज गिल के फैंस और उन्होंने कर दी शुरू ट्रोलिंग. पारस छाबड़ा ने शहनाज गिल के बारे में ही बुरा भला नहीं कहा, बल्कि फैंस को भी साथ में लपेट लिया. कैसे, मैं आपको बताता हूं. पारस छाबड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान जब बात हुई कि शहनाज से आपकी बातचीत, आपके रिश्ते कैसे, बोला मेरी बात ही नहीं होती है, बोला और जरूरत भी नहीं है मुझे बात करने की, मैं करना चाहता भी नहीं उससे शहनाज गिल के बाद. तो पूछा कि गया भैया क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उसके साथ 6 महीने रह चुका हूं शहनाज गिल के साथ, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि उसको ज्यादा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है. और मुझसे शादी करोगे शो में उसका एटीट्यूड देख के, उसका घमंड देख के, बहुत ज्यादा उसमें घमंड आ गया था और उसको लगने लगा था मैं पता नहीं क्या हो गई हूं, और वो किसी को कुछ नहीं समझती थी, तो इसलिए उससे दूर रहना ही भला है. तो मुझसे शादी करोगे शो के बाद तो मैं उससे बात करना ही नहीं चाहता. तो यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि वो सबसे बड़ी फेक है, और यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि शहनाज गिल को भैया थोड़ा 5-10 मिनट क्यूट लगती है, वो बाद में उसके साथ रह के दिखाओ 24 घंटे, फिर आपको पता चलेगा रेगुलर कि असली शहनाज गिल क्या है. और वो क्यूट व्यूट कुछ नहीं है, वो सब फेक है, सब ड्रामा है. ऐसी बहुत सारी बातें, न जाने पारस छाबड़ा को शहनाज के साथ क्या गिला शिकवा था, क्या खुन्नस थी, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने पूरी की पूरी खुन्नस निकाल दी और यहां तक की बस नहीं किया उन्होंने. उन्होंने इसके बाद साथ में फैंस को भी लपेट लिया. बोले मुझे पता है कि शहनाज गिल के फैंस अब शुरू हो जाएंगे कि वो ट्रोलिंग करनी शुरू हो जाएंगे, गालियां देनी शुरू हो जाएंगे, और मैं उनको बोलता हूं कि अच्छे तरीके से गालियां दो, अच्छे तरीके से भाई ट्रोलिंग दो. मैंने जानबूझ के बोला है ताकि मैं भी पॉपुलर हो जाऊं आपके हिसाब से, आपके कहने के हिसाब से. तो ऐसा पारस छाबड़ा ने आखिरकार क्यों कहा कि मुझे पारस छाबड़ा के शहनाज के रिश्ते में इस तरह की चीज़ें देखी नहीं, मुझसे शादी करोगे शो साथ में किया, लेकिन ऐसी क्या खटास पैदा हो गई पारस छाबड़ा के मन में शहनाज गिल के लिए? तो जाहिर सी बात है इस वीडियो के बाद शहनाज गिल के फैंस का भड़कना तो लाजमी है, क्योंकि मुझे शहनाज गिल की तरफ से मैंने कभी किसी को ऐसा कोई बुराई वाली चीज़ मैंने तो नहीं सुनी है कि पारस छाबड़ा के लिए शहनाज गिल ने कुछ कहा हो. लेकिन पारस छाबड़ा ने ये सब चीज़ें कही और साथ में ये भी कहा कि वो ये, मैं ये भी कहूँगा कि पैसे दे के ट्रोलिंग कराती है लोगों की, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रही हो, अपने काम लगाओ, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो. उनका कहने का मतलब था ये कि अपनी एक्टिंग में इम्प्रूव करो, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो, ऐसी चीज़ें क्यों करती हो. तो ये भी कहा कि देवोलीना के बारे में भी शहनाज ने बोला, देवोलीना के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि शहनाज गिल ने सभी कुछ करवाया है. तो इस तरह की कि मुझे लगता है कि वीडियो इंटरव्यू दी पारस छाबड़ा ने, तो दी कैसी? तो क्या कहते हो आप कि कहाँ तक सहमत हो पारस छाबड़ा की इस वीडियो के साथ? तो मुझे नहीं लगता शहनाज गिल के फैंस तो बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, बाकी के भी लोग कहां तक सहमत हैं, और शहनाज गिल के फैंस भी क्या जवाब देना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो पारस छाबड़ा को इसके बारे में? तो नीचे कमेंट बॉक्स बहुत खाली पड़ा है, तो भर भर के कमेंट कीजिए ताकि ये बात पारस छाबड़ा तक पहुंचे. धन्यवाद, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.